अध्याय के अंतर्गत आज यजुर्वेद के 39वें अध्याय में नौवां मंत्र पढ़ा गया। आज के मंत्र में बताया है कि जब व्यक्ति कर्म करके जाता है, संसार से शरीर छोड़ता है और उसको ईश्वर अगला जन्म देता है, तो उसके कर्मानुसार जो भ्रूण है, जिसका अभी शरीर निर्माण हो रहा है, उस भ्रूण को भी और जन्म लेने के बाद जब पूरा शरीर बन जाता है और बालक बच्चा जन्म ले लेता है शरीर धारण करके, तब उसके बाद भी उसके कर्मों से उसको फल मिलता है। वो फल क्या मिलता है? उसके शरीर के अंगों का निर्माण होता है, उसको हृदय मिला, यकृत मिला और पसलियां मिली और जो भी शरीर के अंग प्रत्यंग हैं वो सब उसके कर्मों का फल है, और उसको अच्छा रक्त, शुद्ध रक्त मिला, ये सब कर्मों का फल है। तो जैसे जैसे कर्म यहाँ इस जीवन में व्यक्ति करता है, उन्हीं कर्मों के आधार पर उसको अगले जन्म में शरीर मिलता है। कर्म अच्छे हैं तो शरीर अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, बलवान होगा। कर्मों में गड़बड़ है तो जन्म से ही रोगी होगा, उसके अंग प्रत्यंग पूरे नहीं बनाएगा ईश्वर, कर्मों के कारण उसको दंड दिया जाएगा। आजकल एक वो रोग चलता है थैलेसीमिया, तो वो सब कर्मों का फल है। बालक के कर्म और माता पिता के, तीनों के कर्म आपस में मिलते जुलते हों तब उस बालक को उस माता पिता के घर ईश्वर भेजता है, ऐसा न्याय दर्शन के वात्स्यायन भाष्य में लिखा है। तो बालक के भी कर्म ऐसे हैं कि उसको इस तरह के माता पिता मिलने चाहिए, माता पिता के भी कर्म ऐसे हैं कि उनको इस प्रकार का बालक मिलना चाहिए, ऐसे गुण कर्म वाला, योग्यता वाला, स्वभाव वाला, आदतों वाला। तो इस प्रकार से जो भी हमें मिलता है वो सब कर्मों का फल है, इस बात को इस आज के मंत्र में बताया गया। और जैसे कि शब्द हैं, लोहितेन शुद्ध रुधिर से उग्रम, तीव्र गुणों को वो व्यक्ति प्राप्त करता है, मरने वाला आत्मा जो अगले शरीर में गया है, उसने अच्छे काम किए, उसको शुद्ध शरीर मिलेगा, शुद्ध रक्त मिलेगा, उससे अच्छे गुण बनेंगे और वो अच्छी तरह स्वस्थ होकर जिएगा। ऐसे ही सौवृत्तेन पूर्व जन्म में जिसने अच्छे कर्म किए उसको मित्रम, प्राण के तुल्य प्रिय, अच्छा अच्छा स्वभाव मिलेगा। दौर्वृत्तेन दुष्टाचरण किए तो रुद्रम, तो दुख देने वाला ही उसका गुरु का स्वभाव होगा, सबको परेशानी करता रहेगा और खुद भी परेशान रहेगा। प्रक्रीडेन उत्तम क्रीड़ा, खेल कूद और अच्छा अच्छा व्यायाम आदि किया और सबको सुख दिया तो उससे इंद्रम, परम ऐश्वर्य व बिजली को प्राप्त होगा, मतलब अच्छी अच्छी संपत्ति उसको मिलेगी। बलेन मरुतः, बल से उसने सेवा की तो उत्तम मनुष्यों के जीवन को प्राप्त होगा, उसको अच्छे अच्छे मनुष्य भी मिलेंगे, मित्र, साथी, संबंधी, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, ये सब अच्छे मिलेंगे। प्रमुदा, प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है और दूसरों को सुख देता है तो साध्यान प्राप्नुवंती, ये प्राप्नुवंती सब में जोड़ते जाएंगे कि जो लोग इस तरह के कर्म करते हैं वो इस तरह के फल को प्राप्त करते हैं। तो साध्यान, साधने योग्य पदार्थों को, मतलब अच्छे अच्छे प्रापणीय पदार्थों को ही वो प्राप्ति करेगा। भवस्य कंठ्यम, प्रशंसा को प्राप्त होने वाले के कंठ में हुए स्वर को वो प्राप्त करेगा जो व्यक्ति अच्छे काम करके जाएगा। रुद्रस्य अंतः पार्श्वम, दुष्टों को रुलाने हारे जन के भीतर पसली में हुए महादेवस्य, महादेव विद्वान के यकृत, हृदय में स्थित लाल पिंड को प्राप्त होगा। सर्वस्य वनिष्ठु, और सब सुख प्रापक मनुष्य का, उसका अंतर विशेष, मतलब शरीर के अंग उसके अच्छे होंगे, सबको सुख दिया है तो उसके अंग पूरे होंगे, विकलांग नहीं होगा, स्वस्थ होगा, बलवान होगा, ये उसको अंग प्रत्यंग भी अच्छे मिलेंगे, गुणकर्म स्वभाव भी अच्छे मिलेंगे यदि वो अच्छे काम करके जा रहा है तो। पशुपते है पुरी तत्,
और पशुओं के रक्षक पुरुष को हृदय की नाड़ी को प्राप्त होते हैं, मतलब उसको हृदय की नाड़ी अच्छी स्वस्थ मिलेगी जिससे उसका जीवन ठीक ठाक चले और वो सुख से जिए। इस प्रकार से जैसे देहधारी यानी जन्म प्राप्त कर चुके, नए जन्म को प्राप्त कर चुका, शरीर बालक का जन्म हो चुका, ऐसे बालक को रुधिर आदि से तेजस्वी स्वभाव आदि प्राप्त होते हैं, ऐसे ही गर्भाशय में भी प्राप्त होते हैं जब भ्रूण की स्थिति हो और बालक के शरीर का निर्माण हो रहा हो, उस समय भी उसको ये अंग प्रत्यंग और अच्छे अच्छे गुणकर्म स्वभाव, अच्छे अच्छे संस्कार उसको प्राप्त होते हैं। ऐसा आज के मंत्र।